नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी ऑफ परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर और बाहर पानी या कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन आ जा सकता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कम और ज़्यादा तापमान, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम ईथर, इसके लिए सेंसिटिव होता है। आज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम बीट रूट के टुकड़े का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनमें बीटा साइनिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि लाल जामुनी रंग का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्कोहल के लिए सेंसिटिव होता है। जब हम बीट रूट के पीसेस अल्कोहल के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में डालेंगे तो बीटरूट से बीटा साइनिन पिगमेंट निकल कर आता है। जैसे जैसे हम अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे बीटा साइनिन पिगमेंट ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर बाहर आता है। पहले हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगा लेते हैं और जान लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। अब हम बोरर की सहायता से बीटरूट से बीट के छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेते हैं। अब हम उस टुकड़ों को पानी में डिप कर लेते हैं, क्योंकि जब हम टुकड़े कर रहे थे तब बीट रूट से थोड़ा बीटा साइनिन पिगमेंट बाहर निकल कर आया है, उसे हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। फिर उसके बाद उन टुकड़ों को टिश्यू पेपर पर रख कर सुखा देते हैं। अब उस बीट रूट के छोटे छोटे समान आकार के पीसेस कर लेते हैं। हमें सिर्फ 5 ही पीसेस चाहिए और ये सब समान आकार वाले होने चाहिए। अब हम इन टुकड़ों को डोरी की सहायता से बांध लेते हैं। अब हम टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेंगे और उसमें पहले टेस्ट ट्यूब में लगभग 5 ml डिस्टिल वाटर डालते हैं। फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में 5 ml 30% अल्कोहल डाल लेते हैं। अब हम तीसरे टेस्ट ट्यूब में 50% अल्कोहल 5 ml डाल लेते हैं।
अब चौथी टेस्ट ट्यूब में हम 70% अल्कोहल 5 ml डाल लेते हैं। अब लास्ट में 90% अल्कोहल 5 ml हम डाल लेते हैं। अब इन सभी टेस्ट ट्यूब पर हम मार्किंग कर लेते हैं। डिस्टिल वाटर 30% अल्कोहल, 50% अल्कोहल, 70% अल्कोहल एंड फाइनली 90% अल्कोहल। अब इस थ्रेड की सहायता से हम सभी टुकड़ों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में एक एक करके डाल लेते हैं। इन सभी टेस्ट ट्यूब पर हम कॉटन लगा लेते हैं क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, उसे रोकने के लिए हम कॉटन प्लग लगा रहे हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं। अब लगभग आधा घंटा हो गया है। इन टेस्ट ट्यूब में से थ्रेड निकाल लेते हैं। थ्रेड के साथ हमारा बीटरूट भी आसानी से निकल आया है। अब हम कलर इंटेंसिटी अगर देखें तो जैसे जैसे अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कलर इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। डिस्टिल वाटर में लो कलर है, 30% अल्कोहल में बीटा साइनिन का कलर निकल कर आया है, 50% में उससे ज़्यादा कलर है, 70% और 90% में थोड़ा सा डार्क कलर हमें नज़र आ रहा है। इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस, परमीएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो इंक्रीजेस।